लोकसभा चुनाव में कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए, इसलिए भाजपा विधानसभा चुनाव में हारी हुई सीटों पर गहन मनन कर रही है। भाजपा हार के कारणों को तत्काल दूर कर लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करवाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में कुछ सीटों पर हार को लेकर समीक्षा बैठक की गई। बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सांसद विष्णुदत्त शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद भी मौजूद रहे। वीडी शर्मा ने कहा, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जीत और हार दोनों की समीक्षा करती है। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी की दृष्टि से अपने अपने विधानसभा में कौन सी ऐसी बातें हैं जिसके कारण से हम पीछे रह गए, इस पर विचार विमर्श किया गया। इस बैठक के अंतर्गत आगामी योजना के साथ लोकसभा के चुनाव में हम कार्यकर्ता के नाते से सभी जुटेंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, उस यात्रा को उन विधानसभाओं में जिन विधानसभाओं को हम गलती से हार गए, तो भारत संकल्प यात्रा को यशस्वी बनाना। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकास और गरीब कल्याण के उस अभियान को जमीन पर ले जाने का काम इस यात्रा के माध्यम से कर रहे हैं, उस यात्रा में और ताकत देना, विकसित भारत एम्बेसडर बनाना जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नमो ऐप पर, तो उन सभी कार्यकर्ताओं को जो चुनाव हार भी गए हैं लेकिन विकसित भारत एम्बेसडर उस विधानसभा में बनाने की उनकी अपनी जिम्मेदारी संगठन के साथ मिलकर के है, तो ऐसी एक नहीं आगामी आने वाले चुनाव में जो 51% वोट का जो हमारा संकल्प था, हम विधानसभा में हमने उसको पूरा करने का प्रयास किया है। आगामी आने वाले लोकसभा के चुनाव में हम हर उस विधानसभा को भी जीतें, हम पिछले लोकसभा में भी जीते हैं, लेकिन आगामी आने वाले समय में प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले लोकसभा के चुनाव में इतिहास बनाएंगे, तो उन सभी कार्यकर्ताओं ने भी एक बड़े मन के साथ अपनी तैयारी प्रारंभ कर। डबरा से हारी हुई सिंधिया समर्थक इमरती देवी ने कहा, मैं अपनी हार का जिम्मेदार किसी को नहीं मानती, मेरे ही अंदर कुछ कमी रह गई, मैं जनता को खुश नहीं कर पाई, शायद इसलिए हार का सामना करना पड़ा। भैया कोई अपनी यही कमी होती है, हम शायद इतना नहीं कर पाए, कोई भीतरघात हमारे साथ नहीं हुआ है, मैं अपने किस्मत से चुनाव हारी। परासी से चुनाव हारी बीजेपी नेता ज्योति डहरिया ने कहा कि एक पत्र द्वारा सभी जानकारी मैंने प्रदेश अध्यक्ष को दी है, मेरे साथ भीतरघात हुआ है। नहीं नहीं, हारी की समीक्षा करे है, लेटर बनाकर दे दिए हैं, मगर संगठन में जो बात है तो क्या कारण आपने बताया, भीतरघात भी हुआ है? हाँ, भीतरघात हुए है, मगर मैं आप लोग को सामने नहीं बता सकती। सतना से गणेश सिंह विधानसभा प्रत्याशी थे और वो चुनाव हार गए। उन्होंने कहा कि अलग अलग विधानसभा की अलग अलग रणनीति होती है, मेरी हार में मेरी ही कोई कमी रह गई क्योंकि विधानसभा चुनाव के लिए मुझे अजाता कह दिया गया था और वो क्षेत्र शहर का है, हर कोई चाहता था कि प्रत्याशी हमसे मिले, हमारी समस्या को सुने, मेरे पास चुनाव के लिए समय कम था। मेरे चुनाव में तो मेरी ही कुछ कमी रह गई क्योंकि अचानक विधानसभा के चुनाव लड़ने का आदेश हुआ और वो शहरी विधानसभा क्षेत्र है, स्वाभाविक है हर कोई चाहता कि मेरे घर आए, मेरे पास आए, और समय चूंकि कम था मैं मानता हूं कि अपनी ही कमी के कारण थोड़ा सा वोटों से पीछे रह गए, और कोई दूसरा कारण नहीं। भीतरघात जैसी कोई स्थिति सतना में? देखिए देखिए क्या है, ये भीतरघात ऊपरघात का कोई विषय ही नहीं है। जब चुनाव ज़्यादा मार्जिन से आदमी हारता है तो उसके कारण कुछ और हो सकते हैं, लेकिन कम मार्जिन से जब चुनाव आदमी हारता है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अपनी ही कमी रह जाती है कि उसको हम कवर नहीं कर पाए या ठीक से आकलन नहीं कर पाए, और दूसरा कोई कारण नहीं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।